और अभी आपको आम खबर से आगाह करें कि इसराइली काबीना ने हमास के साथ जंग बंदी की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुहायदा मिस्र की मुआवनत से हुआ है। इसराइल के साथ जंग बंदी पर मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे अमल शुरू होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग बंदी का आगाज 4 बजे होगा। हमास ने इसराइल के साथ जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। इसराइली बर्बरियत के 11 दिन वहशियाना बम्बारी से 232 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी शहदा में 65 बच्चे और 39 खवातीन भी शामिल है, जबकि हमास के रॉकेट हमलों से 10 इसराइली हलाक हुए। अमरीकी वजीर खारजा का बयान भी सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने भी मिस्र की सालसी से जंग बंदी की मंजूरी दे दी। Must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. If it fails to do so, the General Assembly must make this demand on behalf of the entire international community. आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत फौरी रुकवाए। फलस्तीनी वजीर खारजा का जनरल असेंबली से खिताब। कतर के वजीर खारजा का गजा में इमदादी इदारों की रसाई का मुतालबा। अल जजायर के वजीर खारजा ने कहा इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। उर्दन के वजीर खारजा का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वजीर खारजा ने कहा तनाजा अरब अम इकदाम के तहत हल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुतहदा का गजा पर बदतरीन इसराइली फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गोतरस ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा पना गजीन कैंप में एक ही खानदान के 9 अफराद की शहादत ने हिला कर रख दिया। 74,000 अफराद बेघर हो चुके। गजा में एमरजेंसी का ऐलान। खसूसी फंड कायम और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाए। इसराइल के गैर कानूनी तामीरात पर भी तशवीश है। फलस्तीन लहू लहू।